गौतम अदानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। कहते हैं देश का अपमान कर दिया। याद है अरुण जेटली जी कहते थे भाई बाहर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है देश के लिए तो क्या गैग ऑर्डर है, क्यों नहीं बोलेंगे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। ये अरुण जेटली जी कहा करते। लेकिन जिनके दोस्त इतने मजबूत हों उनको सब माफ। विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र पॉलिटिकल रिसर्च करते हैं, हर तरह की चर्चा करते हैं, गूढ़ चर्चा करते हैं। जो हमारी ये एक हफ्ते में जो डिग्री ले आती है ना मंत्री, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। वहाँ अगर लोकतंत्र की के सामने जो चुनौतियाँ आई हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है तो वो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। देश का अपमान तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश का अपमान तब होता है जब देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो हमसे बड़ा है, वो तो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तब होता है देश का अपमान। देश का अपमान तब होता है जब देश की जुडिशरी को आप मजबूर करते हैं कि वो प्रेस के सामने आकर अपना रोना रोए। देश का अपमान तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया आपने उस पर इतनी गहरी इतनी कड़वी टिप्पणी करती है। तब आपको देश का अपमान नहीं लगा कि आपकी जो करतूतें हैं उससे कैसे अपमानित हो रहा है देश। आपको याद है अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर को आपने कैसे नियुक्त किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अच्छी तरह से जली कटी सुनाई। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की अगर कोई कवायद करता है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो ये कानून है आज।